I wake up at 3 PM. इतने सारे हेल्थ रिलेटेड चीजें पढ़ने के बाद भी मैं सही बता रही हूँ, माई स्किन केयर इज द ओनली रीजन माई स्किन इज इन दिस शेप. लाइक सही में, मतलब मेरी स्लीपिंग शेड्यूल बहुत ज्यादा बेकार है. आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अपने साथ ऑनलाइन शॉपिंग ऑन मीशो. आज ये करेंगे क्योंकि चिकनकारी कुर्ती मुझे लेनी थी एंड अभी रमजान भी आ रहा है एंड फिर उसके बाद शबे रात है, फिर होली है. लाइक कंटिन्यू ना ये फेस्टिवल वाला सीजन आने वाला है. सो या देखते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं. एंड माई बजट इज लाइक प्रीटी मच वेरी लेस. आई विल टेक यू टू द वीडियो, बट फर्स्ट मैंने स्किन केयर करना है. कमिंग टू दीज प्रोडक्ट, द फर्स्ट वन इज सीसनामाइड रेडियंस सीरम, 10% विटामिन सी एंड 5% नाइसिनामाइड, पावर ऑफ टू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट कैन बी अप्रिशिएट एएलएस पैकेजिंग टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ आर विटामिन सी. दिस पैकेजिंग आई रियली रियली अप्रिशिएटेड द मोमेंट इट केम. आई एम लाइक यस, I love this packaging and also helps in boosting your skin glow. This product works faster than other products because it has two active ingredients together. It really gives you a plummy and bouncy look. You can see here. कभी भी अगर आप ऐसे best anti-aging product ढूंढ रहे हो तो this is your best anti-aging product. Your sunscreen is your best friend. Don't forget to apply your sunscreen क्योंकि UV rays, UVB are so harmful that will cause so many serious problems into your skin. So yeah, sunscreen is the most important. I cannot like emphasize anymore कि sunscreen कितना ज्यादा important है. Yes, and I wake up pretty late, but 5 बजे तक आपके मुंह पे सनस्क्रीन होना चाहिए. अगर आपके घर में धूप या हल्की सी भी रोशनी आ रही है सो यूवी रेज कैन पेनिट्रेट. सो यूवी और यूवी बी. आई लव द टेक्सचर. ओ माय गॉड, आई सीरियसली इन लव विद द टेक्सचर. थोड़ा सा ही लूंगी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में दिखाया था. दिस इज सो गुड, लाइक सो गुड. नो व्हाइट कास्ट और ऊपर से इतनी इजिली मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो गया ना. कैन यू सी एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, यू नीड टू हैव सनस्क्रीन, नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन डेली. यस. Also, Dermaco started this young scientist program. Every time you buy from Dermaco, they will link your order to that child that they have helped in educate along with the Bhumi. And उसके साथ उन्होंने pledge किया है कि 10K student वो this year help करेंगे. And also, all new products by Dermaco are fragrance free. Start करते हैं shopping करना साथ में. Yeah. So, ये मैं अपनी ID इसलिए नहीं open कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मीशो पे एकदम फ्लैश ऊपर से ही दिखता है कि आपका एड्रेस और सब चीज. चाहिए चिकनकारी कुर्ती ऐसी पहनने के लिए वाइब में, थोड़ा अफोर्डेबल कुर्तियां लेनी है, ये तो दिमाग में है ही. एंड ट्रांसपेरेंट कुर्तियां, मुझे चिकनकारी बिल्कुल मतलब नहीं हूं मैं उस साइड अभी ट्रांसपेरेंट के साइड, और मुझे सही में बहुत अफोर्डेबल चाहिए. सो लेट्स ट्राई लो टू हाई. इससे समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या लेना है क्या नहीं लेना है और बजट के हिसाब से भी दिखाते हैं. यहाँ पे नहीं हो पा रहा, दोबारा सर्च करते हैं. ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये कलर. ओ इट हैज सो मेनी कलर. ओ ब्लू टॉप की तरह मुझे ये ब्लू कुर्ती भी चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल ब्लू कलर बहुत चल रहा है, तो जो भी चलता है तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मुझे चाहिए. और इस पे व्हाइट कलर विद ब्लू कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है. मुझे लग रहा है मैं इसको बहुत ज्यादा ऐसे स्टाइल भी कर सकती हूँ. ये भी अच्छा लग रहा है, बट दिस मिरर मुझे लग रहा चुकेगा. ब्लू रेड मैंने इधर बड़े चटक वाले कलर की वाइब में हूँ, देख सकते हो आप मुझे. सो रेड कलर 285 का बिल्कुल सही है. अगर आप लकी हो तो क्वालिटी भी कभी कभी बहुत अच्छी आ जाती है. ये मुझे पसंद आया था मिरर वर्क, बट इट्स वे टू प्राइजी फॉर आवर बजट, तो ये नहीं लेंगे. दिस अगर आपको अच्छा लगा आप ले सकते हो. मैं कोड ऐड कर दूंगी दिस मिरर वन. ये मुझे सही में बहुत बहुत अच्छा लगा था. इस पर मिरर मिरर है. फाउंड दिस वन, ये थोड़ा सा हाई है बट ये मुझे चाहिए. 565 का है. बाकी दो कुर्ती मैं खुद आपको ऐसे सरप्राइज देना चाहती हूँ मैं क्या लेती हूँ. सो दीज कुर्ती आई विल बाय. सो देखते हैं जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगी ट्राई ऑन. सो वी आर बैक. फाइनली आई हैव रिसीव ऑल द कुर्तीज. 3 दिन बाद मैं बना रही हूँ, ये कंटिन्यू कर रही हूँ. यस. सो द फर्स्ट वन इज दिस वन. पहले मैं बता दू, जैसे मैंने कलर पैक किया था ना ब्लू, पता नहीं ये इतना ब्लू तो नहीं है, ये हल्का सा ना थोड़ा पर्पलिस्ट
टोन वाला ब्लू है, पता नहीं कैसे ब्लू लग रहा है, मैं सही बता रही हूँ इतना ब्लू नहीं है। यहाँ पे कैमरा ना समटाइम प्ले यार, सही में फर्स्ट जिसका मटेरियल है मुझे अच्छा नहीं लगा, ये कहीं ना कहीं ये दूसरे टाइप का मटेरियल है जो मुझे लग रहा है गर्मी लगेगी इसमें, एंड मैंने इयररिंग्स नहीं पहने हैं, प्लास्टिक टाइप की वाइब दे रहा है। इन शॉर्ट आप इसको चाहो तो ऐसे पहन सकते हो, इफ यू वांट दिस वन आप ले सकते हो, बट मैं मटेरियल पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि मटेरियल इज नॉट ऑन द पॉइंट। यस, जैसा आपको ऐसे देख के लगेगा यहाँ पिक्चर्स में कि हाँ लाइक अच्छा लग रहा है, बट मटेरियल कहीं ना कहीं आपको ऐसे मजा नहीं आएगा। बट कमिंग टू दिस वर्क इज फाइन, लाइक टॉप नॉच है वर्क, बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा है, एंड पूरे पे ये वर्क है नीचे तक, इसको भी कुछ बोलते हैं जो कि मैं भूल गई। यस, टच करने पे भी जो इसका टेक्सचर है काफी अच्छा है, एंड मैंने इसको लिया है मीडियम साइज में क्योंकि मुझे कुर्तियां थोड़ी लूज पसंद है। यस, डेनिम या किसी चीज पे भी पहनूं तो थोड़ा सा ऐसा ओवर साइज वाला लुक है तो अच्छा लगता है मुझे। ओवरऑल फाइन, बट स्टिल मटेरियल जो मैं चाह रही थी वो नहीं है। सो मूविंग टू दिस वन, आई लव द मटेरियल एंड इसका वर्क भी काफी अच्छे से किया गया है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। मिनी सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस रहते ना तो थोड़ा सा चमक रहा होता है, मिरर वाली वाइब देता है, एंड दिस वर्क इज ऑल्सो सो प्रिटी एट द एज। यस, छोटे छोटे जैसे लग रहे पेड़ एंड पूरे पे है इस पे सीक्वेंस विद दिस थ्रेड वर्क, एंड ये भी मशीन वाला ही चिकनकारी है। इसका लुक भी काफी सुंदर है, और ऐसे एथनिक कहीं पहनने हैं जाने आने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, रमजान और शब रात में ऐसे दिन में, एंड नेक्स्ट डे भी पहनने के लिए कुछ रहेगा तो अच्छा लगेगा। मुझे और भी ऐसे एथनिक लेना है प्रॉपर शब रात के लिए, तो शब रात के लिए मैं सोच ही रही हूँ कुछ लेने का, अगर ले लिया टाइम पे तो मैं दिखाऊंगी आपको। सो और जो इसका बटन डाउन है, नहीं पूरा बटन डाउन नहीं है, ऊपर से ये एक खुला हुआ है, नीचे से भी ये हल्का सा स्लिट है बस यहाँ तक, उसके बाद ये पूरा बंद है। ग्रीन कलर सही में बहुत अच्छा लगता है, देख रहे हो कैमरे पे। सो कमिंग टू दिस वन, ये अगेन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये जो ग्राफिक प्रिंट आप नीचे देख रहे हो बैक साइड में, ये मटेरियल ओह माय गॉड लाइक बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है धुलने के बाद ये मटेरियल गया काम से, ऐसा सा मटेरियल है कुछ, ऐसे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे मतलब पहनने में भी अच्छा है, पहनने में मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, बट इसका मटेरियल मुझे लग रहा है एक बार धुलने के बाद ये खराब हो जाएगा। इससे पहले वाला ब्लू वाले में मटेरियल की कमी थी, एंड इसमें भी, बट ये ऐसे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, वर्क भी काफी अच्छा है, एंड इसकी फिटिंग भी काफी अच्छी है, लूज लूज जैसा मुझे चाहिए था, हाथों पे भी वर्क दिया, एंड फिर जो बैकग्राउंड में ग्राफिक प्रिंट है ना वो भी अच्छा लग रहा है। बट अगेन प्रॉब्लम इज मटेरियल, इनको मटेरियल यार, मुझे दोबारा ऐसे चिकनकारी का ऐसे वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इस बार मटेरियल चिकनकारी का अच्छा नहीं, मुझे लग रहा थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा, 1000 तक जाऊंगी तब चिकनकारी के जो कुर्ते के मटेरियल है वो भी अच्छा आएगा। इसमें ये आपको ये अस्तर भी है अंदर का, ऐसे लाइनिंग भी दी अलग से दिया गया है पहनने के लिए, बट मैंने इसको सिर्फ अपने बी पे पहना था, स्किन कलर के बी पे अच्छा लग रहा था, एंड इतना पता भी नहीं चल रहा था, बट आप चाहो तो इसके अंदर ऐसे लगा के पहन सकते हो इसको। मटेरियल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। Moving to the next one is this one. इसका मटेरियल मैं कह सकती हूँ हाँ अच्छा मटेरियल है इसका, और इसको मैंने आई थिंक स्मॉल साइज मिली है, अच्छा मीडियम साइज मिली है, मुझे लगा स्मॉल साइज मिली है क्योंकि इसकी जो फिटिंग है थोड़ी स्मॉल साइज वाली आ रही थी, एंड नी तक इसका लेंथ है, थोड़ा सा और लंबा होता तो मुझे और अच्छा लगता है। बट कमिंग टू दिस नेक वर्क इज सो प्रिटी, इट्स इन अ जयपुरी प्रिंट विद दिस थ्रेड वर्क, एंड इस पे मुझे ऐसा लगा चिकनकारी वाला है, बट ये चिकनकारी नहीं है, इट हैज दिस वायर्ड वर्क, आई थिंक ये से कोई भी चिकनकारी बोलते हैं नहीं बोलते मुझे पक्का नहीं पता, ये मिरर नहीं है जाए, ये प्लास्टिक है जो ऐसे लग रहा होगा कि हाँ मिरर है, बट ओवरऑल ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। इसमें मुझे सिर्फ ऐसे लगा कि हल्का सा और ऐसे लूज होता तो और अच्छा लगता, बट हाँ ठीक है, ये रिकमेंड कर सकती हूँ मैं, ये सही में अच्छा है। सो मून टू द नेक्स्ट वन इज दिस रेड कलर, अगेन एवरीथिंग इज सो नाइस बट मटेरियल इज, देख सकते हो ये प्लास्टिक वाले जो टाइप का जो मटेरियल होता है ना, जो काफी लोकल मटेरियल होता है, ये वो मटेरियल है। यस, सो थ्रेड वर्क इज फाइन, मैंने इसको थोड़ा डार्कर कलर में एक्सपेक्ट किया था, बट स्टिल फाइन, मुझे आजकल ऐसे मरून और रेड कलर लेने का बड़ा मन कर रहा है, बट जब भी आता है कुछ ना कुछ मैं ऐसे कमी दिख जाती है। देखने में काफी सुंदर लग रहा है कॉलेज वॉलेज के लिए, या ऐसे नॉर्मल डेज के लिए भी काफी अच्छा है, अभी इतने सारे ऐसे फेस्टिव्स आ रहे हैं ना तो उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा, बट मटेरियल या
मुझे लगता है इस वाली वीडियो ने बहुत बार ऐसा होगा मटेरियल या अगेन कमिंग टू दिस सेज ग्रीन चिकनकारी कुर्ता. इसका मटेरियल तो मैं क्या ही बताऊं, कितना बुरा मटेरियल है. मतलब किस पे ये बना दिया इन लोगों ने, अजीब सा मोटा थिक सा मटेरियल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. एंड दिस वर्क इज अमेजिंग. इन्होंने ऐसा लग रहा है कि ना वर्क की बर्बादी है इन थ्रेड की, क्योंकि जो वर्क है इन कुर्ते पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. ऐसे लुक वाइज भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल कमी नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. बट इफ टॉक अबाउट द मटेरियल इज समहाउ इज नॉट ऑन पॉइंट. जैसा ऐसे आप इमेजिन करोगे कि सॉफ्ट कॉटन वाले मटेरियल में वो जो अच्छा लगेगा, बट ये बिल्कुल नहीं है. इसका मटेरियल तो अजीब सा ही थिक है. काफी सुंदर लग रहा है, लाइक दिस ग्रीन कलर इज सो सुंदर. मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा. बट मटेरियल जैसे ही मैंने इसको छुआ ना, मैंने कहा माय गॉड व्हाई. बट स्टिल नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मटेरियल को भी हम ध्यान रख के ऐसे शॉप करेंगे कि जो वर्क के साथ कुर्तियों का मटेरियल भी अच्छा लगे, क्योंकि इवेंचुअली हमें पहनना है इनको. ऐसे रख के देखने के लिए इट्स फाइन, बट पहनते वक्त अगर वो बॉडी पे कंफर्टेबल फील ना हो और ऐसे एकदम आपकी बॉडी ब्रीद ना कर रही हो, तो फिर मजा नहीं आता ना कुर्तियों में. यस, सो दैट्स इट फॉर माय हॉल. आई होप यू रियली एंजॉय दिस वन. अगर आपको इस टाइप की वीडियो दिखनी है जिसमें हम साथ में शॉप करें, फिर मैं आपको रिव्यू भी दूं, तो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.